हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एवरेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट। टुडे वी विल डिस्कस क्लास 7 साइंस। चैप्टर नेम इज़ वेस्ट वाटर स्टोरी। बेटा, अभी तक हमने इसकी प्राइमरी ट्रीटमेंट वाटर को, हाउ टू क्लियर द क्लीन द पोल्यूटेड वाटर, तो उसमें हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट हमने कर चुके हैं। आज हम आगे सेकेंडरी और टर्शरी ट्रीटमेंट डिस्कस करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। Now comes a secondary treatment. After primary treatment, all the physical matter in the polluted water is cleared. जितना भी हमारा पानी में जितने भी फिजिकल पॉल्यूटेंट्स हैं, वो सारे हमने निकाल दिए हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट में, और हमारे पास क्लेरिफाइड वाटर, क्लियर्ड वाटर आ गया है, मिल गया है। अब हमने उसके आगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट में देखना है क्या क्या होगा। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में एक ही प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं एरेशन। एरेशन बेसिकली क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमने क्लेरिफाइड वाटर जो हमें प्राइमरी ट्रीटमेंट से मिला है उसको हम एरेटर के थ्रू से पास करते हैं, और उसके बीच में ताकि हम उसमें एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो कर सके। अब आप बोलोगे एरोबिक बैक्टीरिया कौन सा होता है? अभी देखो, आपने 7th क्लास में रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज़म्स का चैप्टर आपने डिस्कस किया है, उसमें हमने बात की थी एरोबिक की। एरोबिक बेसिकली वो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, जो सांस लेते हैं। सो एरोबिक बैक्टीरिया वो होता है जिसके बीच में लाइफ होती है, जो सांस लेता है, लिविंग ऑर्गेनिज़म है। तो ये जो एरोबिक बैक्टीरियाज होते हैं, ये जो आपके जो आपका स्लज हुआ है, ह्यूमन वेस्ट या फूड पार्ट वेस्ट या सोप्स है या कुछ और जो ऐसी चीज़ें जो क्लेरिफाइड वाटर में अभी भी रह गई हैं, उसके ऊपर ये एरोबिक बैक्टीरियाज एक्ट करते हैं, उनको कंज्यूम करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। क्योंकि अगर ये चीज़ें रहेंगी ऐसे ही, तो ये हमारे पास हमारे ये ह्यूमन लाइफ के लिए, दीज आर नॉट ह्यूमन फ्रेंडली, ये आपकी हेल्थ के लिए आप ये एडवर्स इफेक्ट्स क्रिएट करते हैं, टॉक्सिक इन नेचर होते हैं। सो इसलिए एरोबिक बैक्टीरिया इनके ऊपर छोड़ा जाता है ताकि ये इनको डिकम्पोज कर सकें और ये अपना एक्शन उसके ऊपर करें। काफ़ी घंटे, काफ़ी आवर्स के बाद में, काफ़ी टाइम के बाद में इन बैक्टीरियाज को देखो तो ये बैक्टीरिया नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, ये नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, और इनको हम बोलते हैं ये जो हमारी स्लज जो आएगी उसको हम एक्टिवेटेड स्लज बोलेंगे। ये स्लज को आप एक्टिवेटेड स्लज क्यों बोलते हो? क्योंकि इसके बीच में आपके एरोबिक बैक्टीरिया हैं, उन्होंने अपना काम उसके पर किया है, उनको डिकम्पोज किया है। सो दे हैव लाइफ, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके बीच में हैं, ठीक है। दैट इज़ वाइट दे आर नोन एज एक्टिवेटेड स्लज। पहले हमने स्लज का नाम लिया था क्योंकि उसके ऊपर कोई हमारा बैक्टीरिया या कोई एरोबिक ऑर्गेनिज्म नहीं था, बट अब जब एरोबिक ऑर्गेनिज्म आ गया है उसके ऊपर, तो हमने उसका नाम एक्टिवेटेड स्लज दिया है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद में आप देखो, अब जो हमारा जितना भी ये सारे ये बैक्टीरिया जो वाला जो स्लज जो है, एक्टिवेटेड स्लज है, वो सारा बॉटम में रहेगा। 95% तक पानी हमारा क्लियर हो गया, साफ हो गया, और उसके ऊपर सिर्फ हमारी केमिकल ट्रीटमेंट रह गई है। क्योंकि देखने में पानी साफ है, बट इट इज़ नॉट फिट फॉर यूज़। वो यूज़ करने के लिए फिट नहीं है, आप ड्रिंकिंग के लिए, वो तो आप ड्रिंक तो करते ही नहीं हो उस पानी को। उस पानी को हम अपने काम करने के लिए यूज़ करते हैं, बट इवन दो जब तक उसको केमिकली ट्रीट नहीं किया गया पानी को, तब तक वो फिट नहीं है यूज़ करने के लिए, ठीक है। जो ऊपर वाला 95% पानी है वो साफ है, पर इवन दो उसमें कुछ पॉल्यूटेंट्स अभी भी हैं, वो एकदम से क्लियर नहीं है क्योंकि उसके बाद केमिकल ट्रीटमेंट अभी रहता है। तो वो होने के बाद में पानी आप एकदम क्लियर होगा, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, ये जो एक्टिवेटेड स्लज जो हमारी नीचे बॉटम में बैठ गई है, इसको निकाला जाता है, इसको सुखाया जाता है। जब ये सूख जाती है तो फिर इसको एज अ मैन्योर फील्ड्स में यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो वो जो स्लज है वो भी हमारी वेस्ट नहीं गई है, एक्टिवेटेड स्लज भी हमारी काम आती है। किस काम आती है? फॉर मैन्योर्स,
जब वो एकदम से सूख जाती है फिर वो मैन्यूज फील्ड्स में डालने के काम आती है टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। ओके बच्चे, तो ये था हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट। हमारी बात आती है टर्शरी ट्रीटमेंट। अभी भी एक ट्रीटमेंट हमारा रह गया ना, जो हमने पूरा उसको केमिकली भी हमने साफ़ करना है, हमने बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, बायोलॉजिकल मैटर भी हमने साफ़ कर दिया, हमने फिजिकल मैटर भी साफ़ कर दिया, पर हमारा केमिकल ट्रीटमेंट अभी हमारा रहता है। सो अब हम वो देख, तब इस केमिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है कि हमने जो पानी के बीच में, जो आपका पानी आया है उस पानी के बीच में क्लोरीनेशन ट्रीटमेंट हमारा रहता है। अभी हम उसमें, क्योंकि आप बोल हम आपने सुनना होगा कि पानी को साफ़ करने के लिए क्लोरीन क्लोरीनेशन ज़रूरी होती है, तो ये जो क्लोरीनेशन ट्रीटमेंट है, या तो ये ट्रीटमेंट ओजोन के साथ होता है, या एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रेज के साथ होता है, या क्लोरीनेशन के साथ होता है। राइट, आपकी जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो डायरेक्ट पानी को ट्रीट करने के लिए दीज आर वेरी गुड, बट फॉर ह्यूमन बींग्स दीज आर नॉट गुड। लोगों के लिए ये ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रेज अच्छी नहीं होती हैं, इसीलिए हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में एक ओजोन लेयर है, वो ओजोन लेयर हमारे को सन की जो रेज, डायरेक्ट रेज हमारे ह्यूमन बींग्स के ऊपर नहीं आती है, वो ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करती है जो उसकी अल्ट्रा वायलेंट रेज है, ताकि वो हमारे को हार्म ना करे। राइट, तो इस चीज़ को, पानी को एकदम से डिसइंफेक्ट करने के लिए उसमें क्लोरीन टैबलेट्स की या ओजोन की उसको यूज़ किया जाता है, ताकि पानी को एकदम से डिसइंफेक्ट किया जाए। ये जो पानी है ये अल्ट्रा वायलेंट रेज के साथ भी एक्सपोज किया जाता है, ताकि उसमें भी उसको केमिकली ट्रीट करने की कैपेबिलिटी है। ठीक है, अब जो ये पानी है, ये साफ पानी आ गया, इस पानी को आप किसी भी वाटर बॉडी में छोड़ सकते हो। पर एक बात मैं बता दूँ, इवन इतना ट्रीटमेंट के बाद में भी दिस वाटर इज़ नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग। आप इस वाटर के साथ अपने हाउस होल्ड काम कर सकते हो कोई भी, बट वो पीने के काम नहीं आता। पर देखो, जब हम ये पानी वाटर बॉडीज़ में छोड़ते हैं, और ऊपर से जब हिमालय से इस पानी में कोई मिनरल्स नहीं है, जब ऊपर से हिमालय से पानी आता है रिवर्स में, वाटर बॉडीज़ में, उन इट दे कंटेन्स दैट वाटर कंटेन्स मिनरल्स इन इट, उसके बीच में मिनरल्स होते हैं, और चलता पानी कभी गंदा नहीं होता। ये जो पानी हमने वाटर बॉडीज़ में छोड़ा है, जब ये उस पानी के साथ मिलेगा, देन दैट वाटर कैन बी यूज फॉर ड्रिंकिंग। ठीक है, आप नहर का पानी, रिवर का पानी आप पी सकते हो, बट आपने ये ध्यान रखना है वो रिवर साफ होनी चाहिए, वैसे ना हो कि आप गंगा का पानी पी रहे हो, बिकॉज गंगा रिवर का पानी बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड है। ठीक है, हमने अभी जो हमने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का पूरा आपको मैंने समझाया है, तीनों आपको ट्रीटमेंट्स बताए हैं, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, टर्शरी ट्रीटमेंट, उसको एक मैंने फ्लो चार्ट के हेल्प से आपको समझाने की कोशिश की है। सबसे पहले देखो, जो सीवेज है, सीवेज में प्राइमरी ट्रीटमेंट होगा, पहला प्रोसेस होगा उसमें सारी हमारी फिजिकल प्रोसेसेस है, उसमें सारे आपके जो फिजिकल मैटर है वो सारा का सारा अलग निकाल दिया जाता है। देन उसके बाद में उस पानी के ऊपर, वो पानी अलग टैंक में जाता है, सेकेंड ट्रीटमेंट होता है, दैट इज सेकेंडरी ट्रीटमेंट। उसके बीच में सारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं, माइक्रोब्स छोटे छोड़े जाते हैं उसके ऊपर, और वो जो हमारे माइक्रोब छोड़े जाते हैं स्लज के ऊपर, फिर वो सारा का सारा स्लज को ड्राई करके आगे यूज़ किया जाता है। उसके बाद में थर्ड स्टेप में आता है, वो जो आपका पानी एकदम साफ हुआ था, वो एकदम अब सारी इम्प्योरिटीज उसमें से निकल गए हैं, बट इवन दो उसको वो सेफ नहीं है यूज़ के लिए, उसके बाद में मर को उसमें कुछ केमिकल प्रोसेसेस करना पड़ता है, कुछ केमिकल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो वो जो ट्रीटमेंट के बाद में जो पानी मिलेगा एकदम से क्लियर मिलेगा, दैट इज़ डिसइंफेक्टेड वाटर। उस पानी को फिर कहाँ छोड़ा जाता है, वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ किया जाता है।
ठीक है बेटा, तो ये पूरा हमारे सारे मैंने छोटा सा फ्लो चार्ट बनाया है ताकि आपको अच्छे से समझ आए जाए कौन से स्टेप्स और कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व हुए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में। ठीक है बेटे, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टू डेज वीडियो। इफ़ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी, यू आर मोस्ट वेलकम टू गिव योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।